हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। ओमनी सेलुलाई सेलुलर जनरलाइजेशन गिवन बाय ऑप्शंस आर ए लेमार्क, बी ड्यूट्रोचेट, सी लिवेनहॉक, डी विचो। सो ये स्टेटमेंट ओमनी सेलुलाई सेलुलर किसने दिया था? सो लेमार्क इज नॉट अ करेक्ट आंसर। लेमार्क ने एक थ्योरी प्रपोज की थी जिसे लेमार्किज्म भी कहा जाता है। बी ड्यूट्रोचेट, सो नॉट करेक्ट आंसर, बिकॉज ड्यूट्रोचेट ने ऑल्सो नॉन एज और बेटर नॉन फॉर डिस्कवरी ऑफ ऑस्मोसिस। सी लिवेनहॉक, इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्व की थी फ्री लिविंग सेल अंडर माइक्रोस्कोप। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, एंड प्रोटोजोआ। सो इन्होंने माइक्रोस्कोप में प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं फर्स्ट। सो इसलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। सो ओमनी सेलुलाई सेलुला जो स्टेटमेंट है वो दिया था रुडोल्फ विर्चो ने। सो करेक्ट आंसर इज डी। सो वॉट इज ओमनी सेलुलाई सेलुला? इसका मतलब होता है कि एवरी लिविंग सेल, ऑल लिविंग सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब सभी लिविंग सेल अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज हुई है। दिस जनरलाइजेशन गिवन बाय विचो। सो द राइट आंसर इज रुडोल्फ विचो। बेस्ट ऑफ लक।